हाँ तू पण जा ना, ये ना, चालवून देतो तुला गाडी. ऐसा लग रहा है मुझे एग्जाम के टाइम में नर्वसनेस हो रहा है ना, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे. आई डोंट नो केड केड 2 मिनट्स गाइस, वी आर रीचिंग इन 2 मिनट्स. वी आर रीचिंग इन 2 मिनट्स, लेट्स डू इट, लेट्स मीट मिस्टर. तो ये कहानी है दो दोस्तों की. एक रहता है मुंबई में और एक रहता है दिल्ली में. एक का नाम है मिथ पैट और एक का नाम है ट्रिगर्ड इंसान. मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ गाइस, आज तुम लोग जो भी देखने वाले हो वो एक्चुअली एक महीने पहले ही हो गया है. एक या दो महीने हो गया एक्चुअली ये चीज होके, और मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ. सो एनीवे गाइस, बात है उस जमाने की नहीं, बात है उस दिन की जिस दिन मुझे जाना था एक एक्टिंग स्कूल में. यहाँ से मैं मर्ड आइलैंड गया था. मर्ड आइलैंड मतलब मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 घंटा दूर है. मैं सुबह 7-8 बजे एक एक्टिंग स्कूल में गया था. वो एक्टिंग स्कूल का जो दरवाजा था ना गाइस, वो खुला था. तो ऑफकोर्स खुला दरवाजा तो मैं अंदर जाऊंगा. सामने कोई तो खड़ा था तो मैं उनके पास गया. मैं चलता रहा और फिर मैंने क्या देखा, पंकज त्रिपाठी. यस गुरुजी. गणेश ये, मतलब ये कितने बजे आने की बात थी सर? हम सर पाए लागू सर, पाए लागू. एक तो टाइम से आया नहीं सर. क्या हुआ? गेट अप. सॉरी सर. ये कैमरा वगैरह रख दो उधर. कहाँ पे आप? वहाँ उनसे मैंने थोड़ा सा एक्टिंग सीखा और फिर उनसे ये करवाया. तो गाइज मैं सबसे ये करवाता हूँ, सो सर से भी करवाना पड़ेगा. एक बार सबको बोल दो बस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड और क्या, एंड कीप एंजॉयिंग एंड कीप आरटीजीएस. आरटीजीएस आरटीजीएस नहीं जानता है? देखो सारा खेल आरटीजीएस का ही है. आरटीजीएस क्या होता है? पैसा लड़का. लेकिन तुम लोग सोच रहे होंगे कि वेर इज टाइगर इंसान. जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कहानी है दो दोस्तों की, विद पैट एंड ट्रिगर इंसान. सो ट्रिगर इंसान, लाइव इंसान, निश्चय मलहान, कितने सारे नाम है इसके. ये आया था मुंबई पहली बार. वो पहली बार मुंबई आया था तो ऑफकोर्स वो मुझे मिलने वाला था, लेकिन उसका एक शूट था. मैं जहाँ पे था मर्ड आइलैंड, वहाँ से एयरपोर्ट 1 घंटा दूर है. तो मेरा शूट खत्म हुआ 6 बजे और फिर उसके बाद तुम लोग देखो. ओके हाय, इट इज 7 o'clock राइट नाउ. 7 बजे निश्चय की फ्लाइट है. कितने की थी फ्लाइट? 8:50. और यहाँ से एयरपोर्ट है कितना दूर? 1 घंटा. 1 घंटा? हाँ, एयरपोर्ट थोड़ी ना 1 घंटा दूर है यहाँ से कुछ भी. ओके, तो यहाँ से एयरपोर्ट है 1 hour 14 minutes. एक काम करते हैं, भागते हैं. मुझे एक चीज सीरियसली नहीं समझती. चार्जर. मुझे एक चीज सीरियसली ये समझती नहीं है कि निश्चय, आई थिंक फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ. कि निश्चय फर्स्ट टाइम दिल्ली क्या मुंबई आया है. एंड उसका भी आज शूट है और मेरा भी आज शूट था, दोनों का शूट एक ही दिन. बहुत तेजी से जाना पड़ेगा नहीं तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा. तुम मैप से डालना जल्दी, टाइम नहीं है. मेरा मास्क किधर है? मास्क दे जल्दी, कितना भी देरी हो जाए मास्क इज इंपॉर्टेंट. मिथिलेश आई एम सेटिंग अप द मैप्स यार, सब तक नहीं कर सकती मैं एक साथ. मेरे को पता भी नहीं है क्या डालने का है. ऐसा लोग चिल्लाते हैं. इंडिया का टॉप यूट्यूबर हूं मैं, कुछ इज्जत है ही नहीं. चलो लेट्स गो. गणपति बप्पा बोरिया. अरे रिक्शा बाजू. ओके सीधा मैप टेल मी हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग. इट इज शोइंग 1 hour. 1 घंटा. कूल, आई थिंक हम लोग जा पाएंगे. एक अच्छी बात है कि नसीब मेरे साथ था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था. डूड कितना ट्रैफिक है रस्ते पे, ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ियां कम है. हाँ ये तू पण ये मध्ये आता, तेरा ताप झाला ट्रैफिक का. हाँ तू पण जा ना, ये ना, चालून देतो तुला गाड़ी. मेरे पास अगर प्लेन होता तो डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट जा सकता था, ऊपर से उड़ के फिर एरोप्लेन के बाहर ही मैं उसको मिलता. आई एम श्योर वो भी एक ब्लॉग बना रहा है, वो भी चाहता है कि मैं उससे मिलूं. और कितना मिनट है? 42 minutes. ओ माय गॉड, ये अगर GTA 5 होता ना गाइस क्या मजा. इट्स ऑफ कोर्स ओके. पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं है. ट्रैफिक कैसे जाने वाले हम लोग? देखो ऐसी चीजें होती है हमारे साथ. अभी इसको रास्ते के बीच में उतरने का था. अगर मैं 15 मिनट पे नहीं पहुंचा ना तो आई डोंट थिंक मैं मिल पाऊंगा उससे. तुम लोग को सच बताओ तो मैं ये ब्लॉग ऐसे ही शूट कर रहा था. मुझे मालूम था कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे और निश्चय को मिलेंगे नो मैटर व्हाट. वैसे था टाइम और मैप्स के हिसाब से मैं पहुंच सकता था, बट अभी देखो ट्रैफिक तुम लोग. मतलब एक्चुअली बुरा लग रहा है, अगर तू नहीं पहुंचेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा. मुझे भी बुरा लगेगा. स्ट्रेट ही जाने का. पहले लग रहा था कि ठीक है यार पहुंच जाएंगे. सीरियसली 6:15 को हमारा रैप हो गया था. वी वर लाइक, लगा था कि 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे बिकॉज मैप्स पे 1 hour दिखा रहा था. नाउ जस्ट 9 minutes शोइंग बट 6.5 kilometers एंड इट्स ऑलरेडी 7:30. अभी डर लग रहा है थोड़ा. ऐसा लग रहा है मुझे एग्जाम के टाइम में नर्वसनेस हो रहा है ना, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे. आई डोंट नो जा रहा है ये, डर लग रहा है मुझे. और गाइस मैं फास्ट नहीं चला रहा, मैं पहली बता रहा हूँ. या ही ड्राइविंग, मैं नॉर्मल चला रहा हूँ, सेफ चला रहा हूँ. लेफ्ट में रख गाड़ी, 300 मीटर से लेफ्ट लेने का है. हाँ लेफ्ट. स्केर्ड स्केर्ड. 2 minutes guys, we are reaching in 2 minutes. We are reaching in 2 minutes. Let's do it. Let's meet Nishchay. Hey, but we have. Follow na Nishchay la. But you park the car na. Hello. Hello भैया, कहाँ पे हो? मैं भैया एयरपोर्ट में चेक इन करने लगा था बस.
किया तूने चेक इन? अरे नहीं नहीं फिर छोड़, क्योंकि मेरे को 7:50 से पहले अंदर पहुंचना है भाई। तो जैसे कि तुम लोग ने सुना, निश्चय चेक इन कर रहा था, मतलब वो एयरपोर्ट के अंदर ऑलरेडी चला गया था। एंड मैंने बहुत कोशिश की उसको मिलने की, बट नहीं था शायद नसीब में, तो इसलिए मैंने गाड़ी से यू टर्न लिया। ऐसे तुम लोग को लगेगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि लहरों से लड़कर कामयाब नहीं होती, कोशिश करने वालों की कामयाब नहीं होती। I still feel we can make it. पार्किंग किधर है? डिपार्चर के लिए पार्किंग, पार्किंग कार पार्किंग राइट में। वो खे पार्किंग हो चुकी है, बट आई डोंट थिंक वी आर गोना मेक इट। लेट्स सी कदम हाइट में है लैपटॉप। पार्किंग लॉट टूटला, बघ ना जरा फोटो काढावा लागेल तुला। लेट्स गो फास्ट प्लीज। तो मैंने गाड़ी पार्क की, मैं एयरपोर्ट के पास गया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि निश्चय ऑलरेडी अंदर था और अंदर जाने के लगता है टिकट, जो मेरे पास नहीं था। सो एक ही वे था निश्चय से मिलने का, मुझे दिल्ली का टिकट करना पड़ा। क्या रिकॉर्ड कर लिया अभी प्रणव? फोन उठा प्रणव। तो मैंने फोन किया प्रणव सेठ को। प्रणव सेठ मतलब मेरा मैनेजर, अपनो धंधो, गुजराती मुझे आता नहीं इतना, तो मारा धंधो संभालता, हाँ ये बराबर था शायद। तो मैंने प्रणव सेठ को फोन किया और मैंने उसको बोला कि दिल्ली का टिकट करवा दे। यार ये मैनेजर लोग ना हमेशा काम करते। हेलो हेलो हेलो, सुन तू क्या नहाने गया था? सुन, ये नहा रहा था, दिल्ली का एक फ्लाइट बुक करना है मेरे नाम से, जल्दी से। मैं तेरे को बाद में बोलता हूँ सब कुछ, उसको बोलना जल्दी से, वो कर देगा बुक। अरे मैं तेरे को बाद में बताता हूँ, तू करना बुक, ट्राई कर बुक करने का। आई डोंट नो होगा क्या अभी इतना लेट। या जल्दी कर बाय। मैंने प्रणव को बोला है दिल्ली का फ्लाइट बुक करने को। फर्स्टली व्हाट आई एम ट्राइंग इज अंदर जाके निश्चय मिलेगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं मिला तो देखते हैं। हाँ तो मेरे को डिटेल भेजना, जल्दी डिटेल भेजना। हाँ हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। सुन आई माइट हैव टू गो दिल्ली, आई एम नॉट श्योर। दिस इज फन, बट दिस इज फन। मैंने टिकट बुक कर दिया है, तो टेक दिस कार की और खुद से घर जा, और मैं भी निकल जाऊंगा। फिर मैंने निश्चय को कॉल किया, वो भी मुझे ढूंढ रहा था और मैं भी उसको ढूंढ रहा था। ठीक है भाई सुनो, मुझे अभी निश्चय का कॉल आया था और वो बोला कि वो गेट नंबर J पे रुका है मेरे लिए। आई कैन मेक इट, आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मेक इट। देखो मेरे सामने H दिख रहा है, G दिख रहा है, G H A B C D E F G H I J, और फाइनली ढूंढते जी गेट नंबर J। इज दैट निश्चय? नो दैट्स नॉट निश्चय। ओह माय गॉड, जब मेरे को बोला ना तेरे को टाइम लगेगा अभी भी, आई वॉज लाइक गया अब नहीं मिलने वाले। ओह माय गॉड, और हम दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। डूड मैं बता नहीं सकता, आई वॉज एट द गेट, बोर्डिंग गेट 53 है मेरा, मैं 53 गेट नंबर पे था, तेरा कॉल आया कि तू पहुंचने वाला है। मैंने तेरे मालूम है ना, यहाँ पे आने के लिए अलाउड नहीं है अंदर। Dude. जाने तू, जाने तू। नहीं, मैं टिकट लेके आया। सही में? Yeah. Are you stupid? तो मिलना था ना? यार तू। Not kidding. मैंने प्रणव को बोला टिकट का बंदोबस्त कर दे। चल फिर दिल्ली से। आजा। भाई 8:15 हो गए। I have to run. तू सच में टिकट लेके आया कि नहीं? तो जब टिकट है तो चलना फिर दिल्ली से। ये कभी कभी ना कुछ भी बोलता है। हाँ माना कि मेरे पास टिकट था, निश्चय को मिलने के लिए मुझे दिल्ली का टिकट लेना पड़ा, एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए मुझे टिकट लेना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ मुंबई से दिल्ली जाऊंगा। कुछ भी बोल। यस मैं उसके साथ दिल्ली चला गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। बहुत लोगों को लगेगा ये स्क्रिप्टेड है, सच्ची स्क्रिप्टेड नहीं था। नहीं विश्वास हो रहा तो ये देखो, ये क्या मजाक हो रहा है, ये सच में डेली चल रहा है मेरे साथ। ओके दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी, हमारा सिर्फ मिलने का प्लान था, लेकिन थिंग्स हैव टेकन ट्विस्टेड टर्न्स। मैं अभी तक दंग हूं, तू मेरा कैमरा अंदर डाल देना आके। तू नहीं चाहता ना मैं आऊं? मैं तू मैंने तो खुद ऑफर दिया, लेकिन तू सच में आ रहा है? सुन सुना, अभी टिकट बुक करवा और घर वापस जा। मुझे लगा हम पार्टी करने वाले हैं। डाल दे, अंदर ही डाल दे। पार्टी करने वाले कि नहीं? सुन तू अभी टिकट बुक करवा और तू घर वापस जा। जोक मतलब ऐसे ही बोल रहा है ना? नहीं। अरे सुनना सुनना मस्त है, देख जितनी देर में मैं घर पहुंचूंगा तू वापस मुंबई पहुंच सकता है। रेस लगाते हैं कौन जल्दी पहुंचेगा, बोलना। ये चाहता ही नहीं कि मैं आऊं इसके घर। ये बंदा पागल है। दिल्ली को आए मतलब जस्ट बिकॉज यू कैन डू समथिंग डजंट मीन यू विल डू समथिंग। भाई तू सच में आ गया है। And people will think, and people will still think this is fake. This is not fake at all. Chappal. अरे bro, तेरे कॉफी का बिल आज तू भरेगा, मैं नहीं भरने वाला। बहुत महंगा होता है। इधर आ। तू दे रहा है क्या मुझे? मुंबई से उड़ के तू आ जाए मजाक में, कॉफी का बिल मैं भरूंगा।
सर सबसे महंगी वाली कौन सी है? सारी महंगी है, सस्ता तेरे को क्या देगा? इसमें से भी तू सबसे महंगी वाली देगा मुझे आज। सारी तो 350 की है। इस पे नाम लिखना MYTHPAT। बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मुंबई से स्पेशल इम्पोर्ट करके लाया हूँ मैं इसको। एक और चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? तेरा वाला दे रहा है अभी। काजू कटली लिखो प्लीज, काजू कटली NIS। अरे यार CHAY। और बाजू में काजू कटली लिख दो ना प्लीज। भैया प्लीज इसका मत सुनो। भैया इसके वाले पे भी लिखो फिर। क्या क्या बोले? वीडियो बना ही रहा था, ये बना। ओहो मेरी तिरछी जॉ लाइन बेटा, इंसान काट दूं मैं इससे। किसकी ज्यादा शार्प है गाइस बताओ? एक बार पहले यूं कर, देख, वी विल डू द टिकटॉक वाला ट्रेंड। जॉ लाइन चेक। तुम्हें तुझे कुछ तो गिफ्ट देना है। क्यों? तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। गिफ्ट कभी कोई भी देता है आउट ऑफ द कैरेक्टर। मैंने तेरे लिए नया नाम सोचा है मालूम है, टाइगर इंसान। बहुत फनी था, मैं हंस रहा था लास्ट वीक। टाइगर इंसान। हेमलेस सामने चल। अरे हेमलेस से कुछ नहीं लेना। हेमलेस नहीं रे, हेमलेस। अरे हेमलेस एक एक गिफ्ट देने लेते। हेमलेस से कुछ नहीं, फिर तेरे को बाद में कोई भी गिफ्ट नहीं देगा। भाई हेमलेस से नहीं, तेरे को लेके देना था, मेरे को कैमलेस से ले दे। हेमलेस क्या होता है? चल ना। देखो हेमलेस नहीं, कैमलेस से। अच्छा चल, तेरे को मेरे को पक्का गिफ्ट देना है। कल भी तुझे को कुछ मेरे को पक्का गिफ्ट देना है। हां बोल लेते हैं जयपुर तो जाना है, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? कह रहा है कोई नहीं बाबूजी, मैं गया था 1.5 साल पहले, तो मुझे रास्ता याद है। कह रहा है क्या रास्ता है बता जरा। कह रहा है पहले हम गुड़गांव फ्लाईओवर जाएंगे, वहां पे कुत्ता बैठा हुआ था, वो ना कर रहा था, तो वहां से हमें लेफ्ट लेना है। तो कह रहा है वो कुत्ता अभी भी वहीं बैठा होगा। कह रहा नहीं, पर फ्लाईओवर तो वही होगा ना, और मुझे कदा कहते हो। नीचे एड्रेस लीक कर देता हूँ, मजा आएगा। सबको पता है, सबको पता है मेरे घर का एड्रेस, लेजिट सबको पता है। तो जोमेटो वाला तू वो सिर्फ बताता है कि क्या खाने का है ना, वो खुद ही आ जाता है घर पे 350 इंसेंटिव लगा के। जोमेटो वाले को तो बस बोलता है ना कि हेलो भैया, ट्रिगर्ड इंसान बोल रहा हूँ, दो चाउमीन ले आओ। रख रख फोन। गाइस आई डोंट नो हम लोग कहाँ पे आ गए। तू लाइट क्यों चालू किया? मैं हॉरर सीन कर रहा हूँ, लाइट बंद कर। अरे मैं हॉरर का सीन कर रहा हूँ ना गाइस, आई डोंट नो हम लोग कहाँ पे आ गए। दिस लुक्स लाइक दिस, ओह माय गॉड, कॉन्जूरिंग 7। ये तो आशा की किलन है, किलन आशा की किलन है, खो न जाए ये ताले जमीन पर, ताले 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 ए ताले। इतना सारा प्ले बटन का करेगा क्या? ज्यादा तान पत्ती नहीं तलने था, उड़ा दूंगा। इतने ज्यादा प्ले बटन का तू करेगा क्या? तू मेली न तल तलता है, तोतला है। मेरा बाप तोतला था, मेरा दादा तोतला था, मेरा दादा और तेतला में दाना दाता था, तो दाना दाता था। ए मुंह से सुपारी निकाल के बात करें, दाता ले है माजा दिल। एक मराठी गाना हो जाए, रगास बड़ा वगास बड़ा। ये मैं पिछले 23 साल से एक मराठी हूँ और मैंने ये गाना नहीं सुना है। मैं जा रहा है। मैंने कब बोला तू आ रहा है? पिछली बार जैसे बोलना, एक बार तुसी जा रहे हो? नहीं तुसी जा रहे हो, तुसी जा रहे हो। हाँ तो तुसी जाओ, बाय बाय, सी यू टाटा। मुझे टाटा कचू चचू चचू। सुनो सुना, एयरपोर्ट आराम से पहुंच जाना। हाँ ज्यादा मस्ती नहीं करना गोली बेटा। गोली बेटा मस्ती नहीं, चलो लात अंदर करो। निश्चय सर, एक बार वो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोल दो ना। इफ यू लाइक द वीडियो लाइक द वीडियो, इफ यू शेयर द वीडियो देन शेयर, इफ यू कमेंट देन कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय एंड ही विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। खाना है क्या तेरे घर पे? पहले तो चरा, खाना है क्या तेरे घर पे? हाँ भाई है, मेरे घर पे बनता है खाना भैया, हमारे घर पे हम खाना खाते हैं। तेरे घर पे नॉनवेज नहीं? हम नॉनवेज नहीं बनता, हम वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन वेजिटेरियन भजी पाव वेजिटेरियन